सुनो ठीक है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्र लगा रही है। क्यों लगा रही है? चलो ये तो इसके चारों तरफ तो है ही है, अपनी एक्सिस पे खुद भी घूम रही है। क्यों घूम रही है? आवाज आ रही है पीछे से ही। धरती सूरज का चक्कर क्यों लगाती है? चलो लगा रही है, रुकती क्यों नहीं है? रुक भी तो सके है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बताओ बताओ, गलत बता दो। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन 11th दोनों क्लास है। मेनू नहीं मालूम, बता दो गलत से जो भी बताओ। हां नहीं बता, बैठे बैठे बताओ। बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन है, तो मोशन में रहेगा। हां कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, तो कोई पानी से अल्टी लो अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स वर्क्स ऑन इट। ठीक है, तो वही लॉजिक इसमें है। जब हमारा यूनिवर्स ये बना ना, तो ये सारे आपके गोले थे, तो ये एक ग्लास में था ना, और ये आगे मोशन में। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे सारा वैक्यूम है और पर्यावरण तो है नहीं, हवा नहीं है, कुछ है नहीं, तो वैक्यूम के अंदर क्या है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है कहीं से भी। तो ये एक बार घूम रही है तो ये घूमती ही रहेगी, इसको कोई पकड़ के रोकेगा तो थम सकता है। ठीक है, इस वजह से ये घूमती रहती है। अब इसके अलावा धरती अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। अगर ये अपने एक चीज पे घूम रही है, अगर एकदम से धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्यों होगा? नहीं गिरा है? क्या हो जाएगा? दिन और रात नहीं हो, सही बात है। क्योंकि जो ये इस तरफ का पोर्शन है, ये इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ का बैक साइड में आ गया, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सूरज की किरण आएगी, तो यहाँ तो टेम्परेचर रहेगा नॉर्मल, और पीछे की तरफ यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये बात सही है। उसके अलावा क्या होगा? देखो धरती क्या है, अपनी एक्सिस पे जो उसकी स्पीड है ना, उसकी स्पीड है 1700 किलोमीटर पर आवर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती अपने एक्सिस पे घूम रही है। एकदम अगर रुक जाएगी तो उस टाइम पे वही होगा कि आप किसी कार में जा रहे हो और कार की स्पीड है 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड में से तो कार भागती नहीं धरती में, मान लो है इतनी स्पीड में और उसको कोई एकदम रोक दे तो क्या होगा? किरण बराबर दिखा जाएगी। तो बढ़िया होगा, ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना है। अब कोई आग रोक देगा, कोई भीम साग रोक देगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वैसे दिमाग लगाने की बातें हैं कि अगर धरती अब फिलहाल एकदम से घूमना बंद कर दे तो आदमी को रूट के संग सुनामी आ जाएगी, सारा पर्यावरण साफ हो जाएगा। जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम समझते हो? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो हमारे एटमोसफियर का, एनवायरमेंट का, या उसमें ह्यूमन बीइंग भी आगे, जानवर भी आगे, वो जो पूरा सिस्टम है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो एनवायरमेंटल जो सिस्टम है वो सारा कोलैप्स हो जाएगा। तो जो अर्थ अपने एक्सिस में घूम रही है उसी के बदौलत ये है कि लाइफ सर्वाइव करती धरती पर। अच्छा एक चीज बताओ, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूरज धरती से कितना दूर है?
15 crore kilometer. पता है वाइज वो 15 crore kilometer दूर है सूरज हमारी धरती से, और इससे जो रोशनी निकलेगी, लाइट जो निकलेगी, उसकी स्पीड क्या है? ठीक है, ये कितने प्रयुक्त होंगे मेरे ख्याल से 3 lakh km/s. इतनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी उसको धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 minutes 20 seconds. में पहुंचती है, ठीक है? हमारे अर्थ के सबसे नजदीक जो स्टार है वो कौन सा है? यही है, सन है, ठीक है? ये हो गया नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। बाकी जितने भी तारे हम आसमान में देखते हैं वो इससे कहीं ना कहीं दूर है, ठीक है? अब बात यह आती है, ये तो है 15 crore kilometer दूर, ऐसे भी तो तारे जो है, बाकी स्टार हैं, ऐसे भी तो होंगे जो अरबों अरबों किलोमीटर दूर होंगे, होंगे नहीं होंगे? जैसे ये हो गया सन हो गया, तो भी ऐसे भी जो यहाँ के जाके आते हैं बहुत दूर दूर भी होते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक इसकी लाइट पर पहुँचने में 8 minutes 20 seconds लग जाते हैं, तो ऐसे ऐसे भी तो होंगे जिसकी लाइट को धरती तक पहुँचने में 100 साल लग जाते होंगे, या नहीं होंगे? होंगे। अब पॉइंट आता है ये, अब कोई तारा जो आसमान में आपको दिखता है ऊपर, वो अगर 2017 में खत्म हो चुका है, उसके अंदर का जो फ्यूल है कंबशन उसके अंदर वो खत्म हो गया, वो 2017 में कोलैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसकी लाइफ खत्म हो गई, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर वो आज भी धरती पे हमें दिख रहा नहीं दिख रहा है? दिख रहा नहीं दिख रहा? क्यों दिख रहा? बताओ दिख रहा नहीं दिख रहा? ये बताओ पहले, तुम जो पिछले साल खत्म होली चीज वो अब दिखेगी नहीं दिखेगी? है? दिखेगी। किस वजह से? दिखेगी दिखेगी क्या होता है जो जैसे सूरज का एग्जांपल है, सन की लाइट जो अब इस पॉइंट पे यहां से कोई रोशनी छोड़ रहा है ना, वो हमारे पास 8 minutes 20 seconds बाद आएगी, ठीक है? अगर सुबह 9 बजे मान लो आज की तारीख में सूरज खत्म कोलैप्स डेड हो, ठीक है, हमें कब तक दिखेगा? हमें 9:08 तक दिखेगा, नहीं दिखेगा? तो 9:08 पे आप इसको देख रहे हो, इस चीज को देख रहे हो जो है ही खत्म तो नहीं, तो इस चीज को क्या बोलेंगे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट उन्होंने खोज की थी, तो इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि आप लोग पास्ट देखो, जो फिल्मों में दिखाई देते हैं कि वो पास्ट में चला गया फ्यूचर में जाके काम करा, तो जो पास्ट में जाने की जो कहते हैं ना टाइम मशीन बनाएंगे, जो पीछे जाके देख के आ जाए कि पहले क्या था, 10 साल पहले 20 साल पहले क्या था, उनका जो प्रिंसिपल बेसिक है उसका यही है कि आप पास्ट को देख सकते हो, आप पास्ट को देख रहे हो, आप 9:08 में देख रहे हो इस चीज को जो है जो खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है? आप पास्ट देख रहे हो। तो ऐसे ऐसे हमारे जो सोलर सिस्टम में तो नहीं, उसके बाहर हमारे जो गैलेक्सी है उसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत तारे हैं जो आप आसमान में डेली देखते हो, पर हो सकता है उनको खत्म हुए सालों में, वो खत्म हो चुके हैं कई साल पहले, फिर भी हमें दिखते हैं, ठीक है? तो फिर हाइपोथेटिकल बात है कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो सिर्फ मतलब विद टाइम सॉल्व होंगी, अब सिर्फ एक थ्योरी है,
हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो तो हो, वो तो हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे तो कहते हैं कि अगर आप एक ऐसा व्हीकल ले लो, आप एक ऐसी कार ले लो जिसकी स्पीड हो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा, आप अगर हम देखते किस चीज़ से, लाइट से तो देखते हैं ना, कोई भी लाइट है, जैसे ये कुर्सी दिख रही है, कुर्सी पर लाइट गिरती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, तो वो जो स्पीड के साथ आई है उसी हिसाब से दिखती है। तो उससे अगर तेज ट्रेवल करने वाली कोई हम गाड़ी बना ले, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लाइट से तेज चलने वाली गाड़ी बनाना, पर वो उसमें क्या लेते हैं कि अज्यूम करते हैं चीजें, मान लो अज्यूम कर लो स्पीड की आप ले लेते हो तो आप फास्ट में जा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है, अब मून है, मून अर्थ के चक्कर लगाता है, लगाता है ना, तो ग्रेविटेशन उसका क्या होती है, क्या होती है, अर्थ जो है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो अपने वेट की वजह से किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो चांद धरती का चक्कर लगाता है, चांद को नहीं खींचती क्या, खींचती या नहीं खींचती, तो गिरता क्यों नहीं है? क्या अच्छा, कोई भी चीज हम फेंकेंगे ऐसे, हम फेंकेंगे ऐसे भी वो गिरेगी नीचे ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका पाथ क्या होता है, उसका पाथ होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करती है कोई भी चीज आप फेंकते हो ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसमें क्या होता है, जैसे अर्थ होगी, ठीक है, थोड़ी बड़ी ठीक है, अर्थ राउंड है, अब यहां पे खड़ा हो गया, मैंने कोई चीज फेंक दी, तो मैंने कम स्पीड के साथ इसको फेंकता है, तो वो ये यहां पर खड़ा है, ठीक है, इसने कोई स्पीड के साथ चीज फेंक दी, इसने कम स्पीड के साथ फेंकी तो ऐसे ट्रैवल करके यहां गिर जाए, थोड़ी और स्पीड के साथ फेंकोगे ऐसे ट्रैवल करके यहां गिर जाए, थोड़ी स्पीड और बढ़ाओगे ऐसे ट्रैवल करके यहां गिर जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई चीज फेंकते हो तो इसी एंगल के साथ जाती है, तो धरती के ऊपर खड़े होगी, यहां से मैंने कोई चीज फेंक दी वो ऐसे गिर जाएगी, थोड़ी तेज फेंकूंगा तो थोड़ा दूर जाके गिर जाएगी, और तेज फेंकूंगा और दूर, और तेज फेंकूंगा और दूर, और फेंकूंगा ऐसे, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जो मून जो अर्थ की रोटेशन कर रहा है ना वो एक अपने ऑर्बिटल पाथ में कर रहा है, तो जो ऑर्बिट के अंदर उसकी स्पीड जो है अर्थ के रोटेशन की जो उसकी स्पीड है वो मैं जिस तरीके से कर गई कि यहां से उसने घूमना शुरू कितनी स्पीड के साथ कर दिया कि वो इसका राउंड पूरा लेके वापिस यहां आ गया, अर्थ इसको खींच रही है अपनी तरफ, उसी वजह से तो चक्कर काट रहा है, तो अर्थ का जो वेट है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, पर उसने अपनी स्पीड इतनी मेंटेन कर ली है कि वो पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, यहां के सेम फोर्स लगना है फिर दोबारा राउंड, इस वजह से वो गिर नहीं रहा, समझ में बात। अब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पूरा है, केमिस्ट्री में है पीरियोडिक टेबल याद है कुछ है, पीरियोडिक टेबल याद है थोड़ी बहुत, सारे अल्फाबेट इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में मेरे काम से, ये कोई रह जाता है, रहता है कोई जो पीरियोडिक टेबल में नहीं आता, एक बार चेक कर लियो क्रॉस वेरीफाई, ठीक है। अब दो चार में जितनी बात बता दूं जितना मुझे बात है छोटो को, न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं डेली, न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ता है, कोई शौक है अखबार पढ़ने का है, और घर पे तो आता होगा सबका है,
नहीं आता तो मंगवा लो, मैं ना थोड़ी है, अखबार जरूर पढ़ा करो, अखबार पढ़ना अपना शौक बना लो, फिल्मा की बात हूँ उसमें कई, ठीक है, अखबार जरूर पढ़ा करो, तो फिर जीके तो फिर किस लेवल पर होगी अखबार, मंत्री मंत्री सब का पता है कहाँ का कौन सी एम के है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, किताबों से बाहर बहुत जरूरी चीजें हैं। बाखड़ा बांध का नाम सुना है किसी ने, बाखड़ा डैम सुना होगा, क्या चीज है, है? नहीं है तो डैम, डैम क्या होता है, क्या होता है, डैम बांध होता है। सर देखो बेसिक सी बात बता देता हूँ दो तीन, एक तो ना अब ये जीके क्वेश्चन है, अब ये आए भी होंगे जब तो आठवीं सातवीं पढ़े होंगे, रेल की जो पटरी होती है गेज बोलते हैं उसको, गेज समझते हो क्या होता है, तो सुनो काम की बात, मैंने ना दो तीन जगह जॉब करी अलग अलग, ठीक है, तो वहां का मैं बेसिक बता देता हूँ, वो बेसिक बहुत जरूरी है, जिंदगी में काम आएगी बातें, ठीक है। मैंने दिल्ली मेट्रो में जॉब कर रखी है, तो दिल्ली मेट्रो में भी जो पटड़ी काम, ठीक है, स्टेशन वगैरह ये सारा, उसके बाद रेलवे में कर रखी है एक दो प्रोजेक्ट वहाँ थे, उसके अलावा आजकल हरियाणा सरकार में, तो बेसिक बता देता हूँ क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रेन होती है उसमें ट्रैक होता है, ठीक है, तो ट्रैक के अंदर पटड़ी होती है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको बोलते हैं गेज। उसका मतलब क्या है, जैसे प्लेन एरिया बनानी है भाई रोहतक से जरागी रेलवे लाइन, तो खाली मैदान है खाली जमीन है, दिक्कत नहीं है ज्यादा, तो आप चौड़ी ट्रेन ले सकते हो, तो उसके लिए ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज का मतलब होता है 1.67 मीटर, ये साइज रहेगा अपने दोनों पटरियों के बीच का, ठीक है, ब्रॉड गेज बोलते हैं। फिर आपकी मीटर गेज, मीटर का नाम से पता लग रहा मीटर होती है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर गेज आ जाती है, मीटर रहता है उसका दोनों पटरियों के बीच का गैप। अब तीसरी चीज आती है नैरो गेज, पहाड़ों में चले गए आप, पहाड़ों में घुमावदार रास्ते होते हैं पहाड़ों से, तो वहां पे क्या है जमीन की वैसी दिक्कत रहती है, रोड भी देखते हो भिड़े भिड़े हो पहाड़ों में, तो उस वजह से क्या करते हैं वहां पे नैरो गेज रखते हैं, नैरो गेज का होता है साइज 0.7 मीटर, उन नैरो गेज हो जाती है, ये तीन साइज होते हैं, इसके अलावा एक साइज आता है स्टैंडर्ड साइज 1.434 मीटर, ये है मेट्रो का साइज, जो मेट्रो की जो ट्रेन होती है ना उसकी जो पटरी होती है उसका साइज ये है, ये है यूनिवर्सल साइज, कहीं चले जाओ मेट्रो के नाम पे जापान रूस अमेरिका चीन कहीं चले जाओ वहाँ सब जगह ये सेम साइज मिलेगा, इसके डब्बे सेम साइज के बनते हैं, ठीक है, ये होगी बेसिक चीजें। अब बात आ रही थी डैम की, डैम का जिक्र था, डैम क्या होता है, डैम बांध होता है यार, डैम क्या होता है एक्चुअल में रिजर्वोयर होता है एक तरीके से पानी को रोकने के लिए बाधा लगा, तो कोई भी हमें अब डैम के फायदे बताऊंगा, यहाँ बैठ के पता लगता ना हमें कि कहाँ से बिजली आती है पानी कहाँ से आता है, तो सारी जितनी भी नदियाँ हैं हमारी मोस्टली वो पहाड़ों से ही निकलती है, या तो बर्फों का पानी पिघल रहा है या पहाड़ों में बरसात ज़्यादा होती है वो निकलती है, तो वो पहाड़ों के बीच से ये मान लो पहाड़ हैं यहाँ से पूरी नदी आ गई, तो हम डैम कैसे बनाएंगे ये आ गई, और कैसे हम कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके आगे, इस तरफ साइड में क्या हो गया पहाड़ हो गया, दोनों तरफ पहाड़ है, आगे हमने बंद लगा दिया तो पानी सारा यहाँ पे भर जाएगा पूरा स्टोर रहेगा, डैम के अंदर हम गेट बना देंगे जितना पानी आगे चाहिए सुविधा के हिसाब से निकालते रहो बाकी वो भर के रहेगा वहाँ पर, ये होता है डैम। उससे क्या होगा जैसे जो बरसात का सीजन होता है ना, बरसात के सीजन में तो हर जगह बरसात होती है, तबाही की हालत हो जाती है पहाड़ों में, तो केदारनाथ में भी चाहिए थी बद्रीनाथ में, तो उसमें क्या होता है फिर उस टाइम पे पानी की मौज हो जाए, पर बाद में सर्दियों में बरसात होती नहीं अपने गर्मियों में दिक्कत होती है, तो उसलिए क्या करते हैं यहाँ पे रोक के रखते हैं, तो ऐसे डैम टाइप के स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो जिस कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है वो पूरा पानी रोक के रखेंगे, जितना चाहिए होगा अपना निकाल के यूज करते रहो,
तो इसका पर्पज क्या होता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपर्पज होते हैं,